चलो दुआ कर लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم قوينا في الدين، ربي زدني علما، امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरह सफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 98। कौन सा वाक्या चल रहा था? हाँ, बुतों को तोड़ने वाला, तो उन्होंने बुत तोड़ दिए। फिर क्या हो गया? उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, हाँ वो यहाँ पर अभी आ रहे हैं कि उन लोगों ने क्या कहा, एक बड़ी सी इमारत बनाओ और उसके अंदर क्या करो, आग जला दो और उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 98। فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. फिर अरादो वावलिक, उन सब ने अरादा इरादा किया, फिर उन सब ने इरादा किया भी उनके साथ यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, कैदन एक चाल का, فجعلناهم फिर जाला बना दिया ना हमने हम उनको, असफलीन निचले लोगों में से, यानी कौन से लोगों में से, जो सबसे पस्त लोग हैं उनमें से, यानी जलील ख्वार कर दिया। आयत नंबर 99। अब क्या हुआ कि जब इन लोगों का बस ही नहीं चला, ये लोग नहीं मार पाए, तो इन्होंने क्या कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिला वतन कर दो, यहाँ से निकाल दो। अब वो क्या कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, और हिजरत कोई छोटी मोटी हिजरत नहीं थी, वो फिलिस्तीन का सफर जो कि बीच में एक पूरा समंदर पड़ता है, उसको तय करके जाना आसान बात नहीं थी, या आज के जमाने के ऐसे नहीं कि प्लेन लिए और उड़ गए, तो खुद पैदल सफर करना था। तो वो क्या कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वकाला, और कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इन्नी बेशक मैं जाहिबुन, मैं जाने वाला हूँ, इला रब्बी, मेरे रब की तरफ, सयहदीन, सा वो या अनकरीब हदाया, हिदायत देगा, नी मुझे, अनकरीब वो मुझे हिदायत दे देगा, यानी हिदायत मतलब रास्ता दिखा देगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना रास्ता, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे तो रास्ता नहीं पता, अब ये अल्लाह ही है जो समंदर में रास्ता बना दे, तो उसी तरह वो क्या कह रहे हैं कि अब मैं अपने रब की तरफ चलता हूँ, मेरा रब मुझे हिदायत देगा यानी रास्ता बताएगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, दुआ क्या की, रब्बी ऐ मेरे रब, हब अता कर, अल्लाह का नाम है ना अल-वहाब, वहाब मतलब बहुत देने वाला, उसी से बना है हब, ऐ मेरे रब, हब अता कर ली, मेरे लिए या मुझे, मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से यानी नेक औलादों में से औलाद अता कर। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, फिर बशरा, बशारत दी, कुछ खबरी दी हमने उनको यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बिगुलामिन हलीम, एक गुलाम यानी बेटे की, जो कैसे हैं, हलीम, बुर्दबार बेटे की। तो जब उन्होंने दुआ की कि या रब मुझे क्या अता कर, बेटा अता कर, औलाद अता कर, तो अल्लाह सुबहानहु तआला ने क्या कहा कि हम तुम्हें क्या देंगे, एक बेटा जो कि बड़ा बुर्दबार है, हलीम है। और ये जो सिफत है कुरान करीम में या तो सिर्फ अल्लाह के लिए आई है, और बंदों में सिर्फ दो लोगों के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आई है, और किसी के लिए ये सिफत इस्तेमाल नहीं हुई है। क्योंकि देखें, अल्लाह सुबहानहु ताला की सिफत का कुछ ना कुछ हिस्सा हर बंदे में होता है, लेकिन ये हिल्म वाला जो मामला है ना, बहुत रेयर है, ये बहुत कमी से किसी लोगों में होता है, बुर्दबारी यानी सब्र और तहम्मुल बहुत रेयरली होता है। जो सब्र और तहम्मुल हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का देख आए हैं, अभी इंशाल्लाह हम इनका भी देख लेंगे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, ठीक है। फबशरनाहु, तो बशारत दे दी हमने उनको, बिगुलामिन हलीम, एक बुर्दबार बेटे की। तो इनके लिए कहा गया बिगुलामिन हलीम, जो इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया बिगुलामिन अलीम, उनके लिए बहुत इल्म वाले, ठीक है। चले आयत नंबर 102। फलम्मा बलगा माहु सया बोला, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा बोला, या अबति फ़अल मा तुमरु सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। फलम्मा, तो फिर, लम्मा जब, फिर जब बलगा वो चले, चला माहू उसके साथ, अस्साया
मतलब कोशिश करता हुआ दौड़ता हुआ दौड़ धूप को। फिर जब वो पहुंचा उसके साथ दौड़ धूप को, औला कहा उन्होंने, यानी एक उम्र को 12-13 की उम्र को, उस उम्र को कि जिसमें वो अपने बाप का हाथ बटा सकते थे, दौड़ धूप करने वाली उम्र को, यानी इब्राहिम अलैहि सलाम के साथ कौन, इस्माइल अलैहि सलाम जी। फिर जब पहुंचा उसके साथ दौड़ धूप करता हुआ, कौला कहा, किसने कहा, इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, बनी इब्न से बना है बुनैया, ए मेरे बेटे, मोहब्बत से जब प्यार से बोला जाता है तो बुनैया कहा जाता है, ए मेरे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ठीक है। जैसे हमने किसमें पढ़ा था, लुकमान, सूरह लुकमान में वो समझा रहे थे ना अपने बेटे को, हाँ, जब नसीहत कर रहे थे, कहा इब्राहिम अलैहि सलाम ने, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नी बेशक मैंने, और मैंने रा देखा है, क्या देखा है, फिल मनामी, ख्वाब में, अन्नी के मैं, अजबहू का अलिफ, मैं जबहा जबा कर रहा हूँ, कहा तुमको मैंने ख्वाब देखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिबा कर रहा हूँ तुम, पंजुर तो देखो, माजा क्या तरह, तुम देखते हो यानी तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारी क्या राय है, तरह यानी तुम्हारी इसके मुतालिक क्या राय है। कौला कहा, किसने कहा, इस्माइल अलैहि सलाम ने कहा, कौला कहा इस्माइल अलैहि सलाम ने, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इफअल कर दीजिए, मा तु मरू, मा जो ता तुमको अमरा हुक्म दिया गया है, और देखिए ता के ऊपर पेश है और जबर है, हुक्म दिया गया है ना, यानी पैसिव पढ़ा जाएगा, कर दीजिए जो तुमको हुक्म दिया गया है, जो आपको हुक्म दिया गया है, सतजिदुनी, स अनकरीब, ता आप, वजदा पाएंगे, नी मुझे, अनकरीब आप पाएंगे मुझे, कैसा, इंशा अल्लाह, अगर चाह अल्लाह ने, मिन सोबरीन, सब्र करने वालों में। जब वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में, आज के बच्चे होते तो जाने दो ऐसे ख्वाब आते रहते हैं, तो क्या करना है, वो क्या कह रहे हैं, वो पॉइंट टू बी नोटेड, पहले तो माँ बाप को ही बोलेंगे कि इनका दिमाग ठीक है, ठिकाने पे है, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें जिबा करता हूँ, तो वो क्या कह रहे हैं कि सोचना क्या है, करें जो आपको हुक्म दिया गया है ख्वाब में, यानी, और उनको ये पता है ना मेरे वाले क्या है, नबी हैं, और नबी के ख्वाब मतलब क्या होते हैं, वही होते हैं ना असल में, सच्चे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप कर दें, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, इसीलिए शायद अल्लाह सुब्हानहु ताला ने उन्हें हलीम कहा, बुर्दबार, यानी कि एक शख्स जो अपने आप को जिबा करवाने के लिए बिल्कुल अपने मतलब दिल से आमादगी के साथ रेडी है कि भाई कर दो जो करना है, तो अल्लाह सुब्हानहु ताला फरमाते हैं कि बेगुलाम हलीम, एक हिल्म और बुर्दबार बेटा अता किया, इसीलिए फौरन वो वाकया बयान कर दिया कि उनका हिल्म यहाँ पर जाहिर हो जाए। फिर जब वो पहुंचे उसके साथ दौड़ धूप करते हुए, कहा ए मेरे बेटे, बेशक मैंने देखा है ख्वाब में कि मैं जिबा करता हूँ तुमको, तो देखो क्या तुम्हारी राय है, तुम्हारा क्या इरादा है, कहा ए मेरे अब्बा जान, कर दीजिए जो तो आपको हुक्म दिया गया है, अनकरीब आप पाएंगे मुझे, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, सब्र करने वालों में से। फलम्मा असलमा वतल्लो, चलें पहले इतने करें फिर आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 103, फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल्जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहिम वस्तदकत रुया इन्ना कजालिक नजिल मुहसिनीन इन हाजा लहुल बलाउल मुबीन वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम। फलम्मा, फिर जब, असलमा, देखिए असलम यानी फरमा बरदार हो गया, और अलिफ लगा दिया वो दोनों फरमा बरदार हो गए, ठीक है, ये अलिफ इंडिकेट कर रहा है दो को। फिर जब दोनों फरमा बरदार हो गए मतलब दोनों रेडी हो गए जिबा करने के लिए, वतल्लहू, व और तल्ला, तल्ला ता लाम लाम, तल कहा जाता है टीले को, ऊंचे ऊंची जगह को कहा जाता है, तो उन्होंने क्या किया, ऊंची जगह पर जाकर उनकी गर्दन रख दी, ठीक है, तो तल्ला, तल्ला कहा जाता है ऊंची जगह को, हाइट को कहा जाता है, उसमें कहीं लिटा दिया तर्जुमा किया होगा, लेकिन यहाँ पर तल्ला का असल मीनिंग होता है ऊंचे टीले पर, ऊंचे टीले पर उनको लिटाया हूँ, उनको ऊंचे टीले पर, लिल जबीन पेशानी, पेशानी के बल, सॉरी, लिल जबीन पेशानी के बल
पेशानी से क्या कर दिया, उनको लिटा दिया ऊंचे टीले पर। वनादई ना हूं वह, और नादई निदा दी, पुकारा ना हमने हूं उनको, किसको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अब अल्लाह सुबहानहु ताला पुकार रहे हैं, और पुकारा हमने उनको यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि ए इब्राहिम कद सद्दकता रुया, कद बेशक सद्दक सच्चा कर दिखाया था आपने, और रुया ख्वाब को, आपने तो सच कर दिया ख्वाब को, इन्ना बेशक हम, कजालिका इसी तरह, नजजी हम जजा देते हैं, बदला देते हैं, अलमुसिनीन नेकोकारों को, एहसान करने वालों को, इन्ना बेशक हाजा ये, ल हुआ अलबत्ता, लामे ताकीद है अलबत्ता, वो तो बला उन मुबीन, खुली आजमाइश थी, बहुत खुली खुली आजमाइश थी, वह फदई ना हो बिजबिन अजीम, वह और फदई फिदिया दिया ना हमने हो उसका, बिजबिन अजीम एक बड़ी जबीहे के जरिए, क्या क्या रख दिया था, दुम्बा, हाँ मेंढा रख दिया था, मुजिबिन अजीम उस मेंढे को कहा गया, एक कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी, और फिदिया दिया हमने उसका एक बड़ी कुर्बानी के साथ, एक बड़े जबीहे के साथ। अब देखें यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं कि ये दोनों रेडी हो गए और चल पड़े, कि ज़िबा करने के उन लोगों के पहले जगह मुकामात अलग होते थे ना, जिसको वो कहा जाता था, हम पढ़ा है ना मजबा, क्या कहते हैं उसको, तो वहां पर जाकर वो ज़िबा करने गए, ऊंचा टीला था और उस पर लिटा दिया, और उन्होंने खुद कहा था कि मुझे कैसे लिटाना, उल्टा लिटाना, ऐसा ना हो कि आप आंखों में देखें और क्या हो जाए, आपका दिल पसीज जाए, तो इसीलिए उल्टा लिटा दीजिएगा, तो वो उन्होंने उल्टा लिटा दिया। अब ये लिटाना ही था कि अल्लाह सुबह, और गर्दन पे छुरी रख दी, तो अल्लाह सुबहान तआला ने पुकार कर कहा ए इब्राहिम आपने तो सच कर दिखाया ख्वाब को। अब देखें वो अल्लाह सुबहान तआला ने जबीहा रख दिया, लेकिन वो तो करने ही जा रहे थे ना, तो उनकी तरफ से तो बात पूरी हो गई है ना, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वहां पर गए थे आग में, तो उनकी तरफ से तो बात पूरी हो गई ना, वो चाहे बाद में अल्लाह जो चाहे करे है ना, तो अल्लाह सुबहान तआला ने उनकी जगह पर वो जबीहा यानी वो दुम्बा रख दिया और कहा कि ए इब्राहिम आपने तो ख्वाब ही सच कर दिखाया, और हम कैसा बदला देते हैं नेकोकारों को, बेहतरीन बदला देते हैं कि हमने क्या किया, आपके औलाद को बचा लिया और आपका नाम भी लिख लिया कि आपने वो जबीहा कर दिया, यानी ऐसे ही जैसे अपने औलाद को जिबा कर दिया अल्लाह की खातिर। और देखें यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला खुद कह रहे हैं ये तो बहुत खुला और बहुत बड़ा इम्तिहान था, जब एग्जामिनर खुद कहे, जो इम्तिहान लेने वाला मुमतहिन कहे कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, बच्चा नहीं कह रहा है, स्टूडेंट नहीं कह रहा है, टीचर कह रहा है, क्या बड़ा इम्तिहान था जो तुम पास कर गए हो, तो सोचे कितना बड़ा इम्तिहान होगा कि टीचर खुद कह रहा है कि कितना बड़ा इम्तिहान था जिसको तुम पास कर गए हो। तो सोचे अल्लाह सुबहान तआला ने जो मोहब्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उनके अल्लाह की खातिर थी, कि जिसके लिए ना वो अपनी औलाद, ना अपनी बीवी को, ना ही माल को, ना अपने घर को, ना अपने वालिदैन को, मतलब हर स्टेप पर दिखा दिया उन्होंने कि इस तरह से इबादत की जाती है अल्लाह की। वो बात अलग है कि अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर, अल्लाह सुबहान तआला ने हर जगह पर उनकी क्या की, मदद की और उनको उससे बेहतरीन बदल अता किया, लेकिन इनिशिएशन उसके लिए जो दिल को राजी करना कि मैं कैसे राजी करूं अपनी औलाद को कत्ल करने के लिए, कैसे मैं अपनी औलाद को जिबा कर सकता हूँ, कैसे मैं आग में कूद सकता हूँ, तो अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ पर बताया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अकल दंग के दंग रह गई, और वो जो इश्क था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कूद गए, यानी वो सोचते नहीं थे, बस मुझे मेरे रब ने कह दिया ना तो बस दैट्स ऑल, मुझे अब क्वेश्चन मार्क्स नहीं लाना, ए इब्राहिम असलिम असलम तू, मैंने तो मान लिया। तो अल्लाह ने कहा ये बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर गए ए इब्राहिम, फिर क्या हुआ इमामतें दी, फिर क्या हुआ अल्लाह ने हर स्टेप को क्या बना दिया, ता कयामत तक के लिए वो निशानियां रख दी, मेरे इब्राहिम ने ऐसा इम्तिहान दिया था। तुम तो एक्शन, मतलब तुम तो उनकी कॉपी करते में भी झिझकते हो, लोगों के दिल से वो माल नहीं निकलता कि वो बकरे पर भी लगा दे। हाँ 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 तो वो चाहता क्या है, हाँ वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा ना कि मैं दो जबीहों की औलाद हूँ, मैं दो जबीहों की, एक जबीहा ये
जिनको बचा लिया गया, फिर हजरत अब्दुल्ला उनको भी बचा लिया गया, अल्लाह सुबहान तआला ने बचा दिया, और ये दो जबीहों की औलाद में से, हाँ उनके एक टाइम पे भी उनके, हाँ ननियाल वाले पीछे पड़ गए कि हम तो नहीं करने देंगे इनको, देखा जो करना है करो, जो भी मतलब तुमको जो स्पेंड करना है जितना भी करना है, लेकिन हम जिबा नहीं करने देंगे, क्योंकि वो ही वॉज यंगेस्ट, सबसे छोटे थे सबसे ज्यादा, हाँ हाँ बहुत खूबसूरत है, और उनसे सब लोग बहुत मोहब्बत किया करते थे, तो ननियाल वाले कुछ ज्यादा मोहब्बत करते थे क्योंकि सबसे छोटे थे, और फिर हाँ, और ऐसा होता है ना कि बेटी के जो औलादे होती हैं उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती ही है, और उसमें भी सबसे छोटे वाले से, और खूबसूरत भी वो, तो और भी ज्यादा अटैच थे वो अपने ननियाल से, तो वो लोग आ गए थे रोकने के लिए, हम नहीं करने देंगे, तो उन्होंने फिर वो मुझे वो गए वो कहाना थी, हाँ फिर जाके वो कुरा वगैरह उसने निकाल के तो उसने बताई कि ऐसे ऐसे सोल्यूशन है, इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है चल रिपीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, व और तरका थोड़ा ना हमने अलैहि उस पर, यानी उनका जिक्र खैर फिल आखिरीन बाद आने वालों में, उनका जिक्र, देखिए आज तक उनका जिक्र खैर चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कयामत नहीं है, जब तक ये कुरान जिंदा है, अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ रखा हुआ है, जब तक हजरत इब्राहिम को इसी तरह से हलीम और गुरुद्वार में गिना जाता रहेगा। सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन सलामती हो अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहि सलाम पर, कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं मोहसिनीन नेकोकारों को, इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, इन्ना बेशक हूँ वो तो मिनल इबादिना, किसमें थे, ईमान वाले बंदों में से, हमारे ईमान वाले बंदों में से थे, कौन, इब्राहिम अलैहि सलाम, व बशरनाहु बि इसहाका नबीयन, व और बशरा बशारत दी ना हमने हूँ उनको भी इसहा की, इसहाक अलैहि सलाम की, वो क्या होंगे, नबी होंगे, मिनस सौलिहीन नेकोकारों में से, एक मरतबा सौलिहीन की दुआ मांगी, सौलिहीन पे सौलिहीन अल्लाह सुबहानहु ताला अता फरमा रहे हैं, और एक्स्ट्रा क्वालिटी देखे, कोई हलीम है, कोई नबी है, मतलब अल्लाह सुबहानहु ताला ने बताया कि ऐसे ऐसी अल्लाह सुबहानहु ताला ने उनको रिवॉर्ड अता किए। आयत नंबर 113, व बारकना अलैहि व अला इसहाक, व और बारका बरकत दी ना हमने अलैहि उस पर, व अला इसहाक और ईसाक इसहाक अलैहि सलाम पर, यानी उनकी जुरियत को और बढ़ाया, व मिन जुरियतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, व मिन और से जुरियत उनकी जुरियत में, उन दोनों की जुरियत में से, यानी इब्राहिम अलैहि सलाम इसहाक अलैहि सलाम दोनों की जुरियत में मुहसिनुन नेकोकार भी हैं, वह और जालिमुन जालिम भी है, लिनफ्सी जो अपने नफ्सों के लिए जालिम है, मुबीन खुले जालिम, यानी ये खुला जुल्म करने वाले लोग भी हैं जो अपनी नफ्सों पर खुला जुल्म करते हैं। तो हर दौर में ये होता चला आ रहा है कि मतलब जो नस्लें निकलती हैं तो जरूरी नहीं सब नेकोकारों, कोई क्या होते हैं जालिम भी होते हैं, और हमारे पास खुला एग्जाम्पल नूह अलैहिस्सलाम का है, सोचिए नबी के फर्स्ट, मतलब ये भी नहीं कि कोई जाके पोते नवासे और ये सब हो, बिल्कुल हाँ फर्स्ट वो वाले उसमें। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे हैं कि दोनों की नस्लों में से ईमान वाले मुस्लिमीन नेकोकार भी थे, और खुले जालिम अपनी नस्ल पर जुल्म करने वाले लोग भी मौजूद थे। वलकद मन्नन्ना अला, चले पहले यहाँ पर ये मुकम्मल करें फिर मूसा अलैहि सलाम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 114, वलकद मनन्ना अला मूसा व हारून, व और लकद अलबत्ता तहकीक, और बेशक मा नन्ना, मन का मतलब एहसान किया, ना हमने, एक ना एक्स्ट्रा है, एहसान किया हमने, अलमन्नान अल्लाह का नाम है ना, अलमन्नान एहसान करने वाला, और अलबत्ता तहकीक एहसान किया हमने मूसा और हारून अलैहि सलाम पर, व नज्जय ना हुमा, व और नज्जय निजात दी ना हमने हुमा उन दोनों को, व कौमा हुमा, व और कौम कौम हुमा उन दोनों की हमने निजात दी, उन दोनों को भी और उन दोनों की कौम को भी, मिनल करबिल अजीम, एक बड़े अजाब से, कौन सा अजाब था वो, सारी कौम के ऊपर उन लोगों ने गुलाम बना रखा था ना, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने पानी पे से उनको निकाल दिया और बाकी सबको निजात अता कर दी, वनसर ना हूँ फकानुहुमुल गालिबीन,
वह और नसरा मदद की ना हमने हम उनकी, और मदद की हमने उनकी, फकानू तो वो सब हो गए हम वो सब अलगालिबीन, गलबा पाने वालों में से यानी जीत जाने वालों में से। यानी अल्लाह सुबहानहु ताला ने कैसी मदद की थी, पानी पानी हाँ फाड़ दिया, फिर बाद में उनके लिए अल्लाह सुबहानहु ताला ने फिलिस्तीन की जमीन को हाँ साया, बहुत सारे अल्लाह सुबहानहु ताला ने उनके लिए हाँ 12 चश्मे फेवर्स बहुत सारे किए, मन सलवा है ना खाना। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनकी मदद की, फिर वो कैसे हो गए गालिबों में से हो गए, यानी के मतलब हाँ जीत जाने वालों में से, गलबा पाने वालों में से हो गए। आयत नंबर 117, वो आते ही ना हुमा, वह और आते अता किया ना हमने हुमा उन दोनों को, और अता किया हमने उन दोनों को अल किताब, किताब अल किताब कौन सी, तौरात, मुस्तबीन, मुस्तबीन वाज़े, बा यानी मुबीन से ही बना है, मुस्तबीन खुली खुली वाज़े किताब हमने उन दोनों को अता की, वह हदई ना हुमा सिरातल मुस्तकीम, वह और हदय हिदायत दी ना हमने हुमा उन दोनों को सिरातल मुस्तकीम, हाँ सीधे रास्ते की हमने उन दोनों को वो दी क्या हिदायत, व तरकना अलैहिमा फिल आखिरीन, वही सेम जुमला, व तरकना और छोड़ दिया हमने अलैहिमा उन दोनों पर जिक्र खैर, उन दोनों का जिक्र खैर फिल आखिरीन आगे आने वालों में, बाद में आने वाले लोगों में। चलिए रिपीट करें, रहीम सलाम अला मूसा व हारून, सलामती हो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर, इन्ना कजालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इन्ना बेशक हम कजालिका इसी तरह नज़्ज़ी हम बदला देते हैं अल मुहसिनीन नेकोकारों को, इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, इन्ना इन्ना बेशक हुमा वो दोनों क्या थे, ईमान वाले हमारे ईमान वाले बंदों में से थे, ना हमारे इबाद बंदे अल मोमिनीन ईमान वाले बंदों में से थे, व इन्ना और बेशक इलियासा इलियास ल मिनल मुरसलीन, ल अलबत्ता मिनल मुरसलीन रसूलों में से थे, और इलियास अलैहि सलाम भी बेशक क्या थे रसूलों में से थे, इज कौला लिकौमिही अला तत्तकून, इज जब कौला कहा किसने, इलियास अलैहि सलाम ने कहा लिकौमिही उसकी कौम के लिए अपनी कौम से, अला क्या नहीं तत्तकून तुम सब डरते, क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करते, जब कहा इलियास अलैहि सलाम ने अपनी कौम के लिए या अपनी कौम से, क्या नहीं तुम सब डरते, अतदउना अ क्या ता तुम वानु सब दआ पुकारते हो, क्या तुम सब पुकारते हो बालन, बाल एक उनके बुत का नाम था बहुत बड़ा हुआ करता था वो, तो बालन क्या तुम पुकारते हो बाल को, व तजरूना वह और तुम वानुसा वजरा छोड़ देते हो, अहसनल खालिकीन जो सबसे बेहतरीन तख्लीक करने वाला है, जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है, उसको छोड़कर तुम वो जो बुत है बाल उसकी इबादत करते हो, अल्लाह रब्बकुम, और वो कौन है अहसनुल खालिकीन, अल्लाह है, ठीक है अल्लाह है, रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, अल्लाह वो तो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे बाप दादाओं का भी रब है जो पहले गुजर चुके, पहले गुजरे हुए बाप दादाओं का तुम्हारे उनका भी रब है। आयत नंबर 127, फकज़्ज़बूहू वइन्नहुम लमुहदरून, फिर कज़्ज़बा झुटला दिया वाओ उन सबने हु उसको यानी उनको इलियास अलैहि सलाम को, फइन्नहुम फिर इन्ना बेशक हम वो सब लमुहदरून, ला अलबत्ता मुहदरून हाजिर किए जाएंगे, पेश और जबर है हाजिर किए जाने वाले हैं, इल्ला इबाद अल्लाही मुखलसीन, इल्ला सिवाय इबाद अल्लाही अल्लाह के बंदे, कौन से बंदे अल मुखलसीन जो खालिस कर लिए गए, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुन लिया, खालिस बंदों के अलावा सारे के सारे अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, वह और तरका छोड़ दिया ना हमने उस पर यानी उसका जिक्र खैर फिल आखिरीन बाद आने वालों में आगे आने वाले लोगों में, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन सलामती हो अला पर इलियासीन, इलियास अलैहि सलाम की बात कही जा रही है, इलियास अलैहि सलाम पर भी क्या हो सलामती हो, इन्ना बेशक हम कजालिका इसी तरह नजजी हम बदला देते हैं हम जजा देते हैं अल मोहसिनीन
नेकोकारों को, इन्नहू मिन इबादिनल मुमिनीन। द सेम वे है ना, एक ही खिताब एक जैसा है। इन्ना बेशक हूँ वो कौन, इलियास अलैहिस्सलाम, मिन इबादिनल मुमिनीन, हमारे ईमान वाले बंदों में से हैं। ठीक है, अब पहले इतना करते हैं इलियास अलैहिस्सलाम का, फिर आगे लूत अलैहिस्सलाम। हाँ वो ये इसीलिए तो डार्विन ने थ्योरी निकाला था कि वो बंदर ही इंसान है। नहीं देखें, जिनको भी अल्लाह सुबहाना ताला ने जिन बस्तियों को अजाब दिया ना, वो या तो 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन में पूरी तरह से खत्म कर दिए गए, उनका उनको रखा नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि वो नहुसत होती है ना, वो दूसरों में फैलेगी। अब देखिए, जहां पर जिन जगहों पर अजाब होता है वो जगहें भी वीरान हो जाती हैं, फिर वहां पर हमेशा नहुसतें बरसती रहती हैं। अब डेड सी देख लें, अब वो रिसर्च करके लोगों ने क्या कहा कि जो आद और वो जो सामूरा और ये जो सदूम की बस्तियां हैं वो डेड सी के नीचे पाई जाएंगी। यानी डेड सी कौन सी है, वो जो जिसको कहा जाता है ना बहरे मुर्दार, उसके अंदर जो भी जाता है वो मरी जाता है, वो बचता नहीं है। बहरे मुर्दार नाम है उसका, उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा हाई, इतना ज्यादा नमक की तादाद है कि मतलब उसमें, ये तो साइंटिफिक रीजन है कि नमक की तादाद ज्यादा है, लेकिन चूंकि उस पर अजाब हुआ है कुछ वहां पर कुछ नहीं रुकता। हाँ वहां वो मर के फिर ऊपर आ जाती है, नीचे नहीं डूब जाएगा ना, इसमें नहीं डूबेगा, इसमें नहीं डूबता। डेड सी वही, हाँ शाम फिलिस्तीन के इलाके। अरे तो टूरिस्ट वो लोगों को, टूरिस्ट लोगों को तो बहुत, हाँ उनका ईमान नहीं है ना वो, तो इसलिए हम लोगों को कहा गया कि जो अजाब शुदा जगह है उनको जल्दी से छोड़ दो, क्योंकि वहां पर अजाब नाजिल हो रहा है। सऊदी भी जब हम जाते हैं लोग पत्थर चप्पल सब मारते हैं, ज्यादा देर नहीं रुकना है, बस देखते चलो, बस चलती भी रहती। हाँ बिल्कुल, कुछ दिनों में वैसे ज्यादा पे लेके शैतान, हाँ शैतान जब भड़का सकता है जब हमारा नफ्स कमजोर होगा। आयत नंबर 133, वहां पर जाके और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ तो है रहते हैं, वहां जाके और हो जाते हैं। हाँ हाँ बढ़ाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्योंकि हज मबरूर का अजर क्या बताया है अल्लाह ने कि जैसे अभी, हाँ जना गया हो, जैसे अभी पैदा हुआ हो, तो सोचिए शैतान ने अगर 60-70 साल का कोई बूढ़ा इंसान जा रहा है, किस कदर मेहनत करी होगी उसको बहकाने में, और वो इतना सारा उसका जो मेहनत को वो एक लम्हे में जाए, मतलब अगर नहीं कर पाया अब मैं, तो फिर वो क्या होगा, उसकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत तो कचरे में चली जाएगी। तो वो क्या करता है, इनको हज मबरूर नसीब ही ना होने दे। तो कैसे, जब वो ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से, फिर वो तो वैसे के वैसे ही रहे गुना है ना, तो ये वो चाहता है। चलो, और इसीलिए सबसे ज्यादा अरफात के जो दिन है शैतान सबसे ज्यादा मायूस होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत गोल के गोल माफ कर रहा होता है कि सब माफ के माफ के माफ अरफा के दिन, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला वो सबसे पसंदीदा दिन अल्लाह का, जिसमें अल्लाह कसरत से लोगों की मगफिरत फरमाते हैं, है ना। तो इसलिए वो लगातार कंटिन्यूस जोहर से लेकर असर तक सिर्फ दुआएं मांगी जाती है, सिर्फ दुआएं मांगी जाती है। हाँ हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए,
नहीं नहीं बहुत इजी है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना आयत नंबर 133, व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन, व और इन्ना बेशक लूतन लूत अलैहिस्सलाम, ला अलबत्ता बेशक मिनल मुरसलीन रसूलों में से थे। पहले इतनी कर लो फिर आगे बढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 134, इज नजैनाहु व अहलहु अजमाइन। इज जब नजा निजात दी ना हमने हूँ उसको, उनको यानी लूत अलैहिस्सलाम, उनके बारे में बात हो रही है। जब निजात दी हमने उनको यानी लूत अलैहिस्सलाम को, व अहलहू और उनके घर वालों को, अजमाइन सारे के सारों को, इल्ला सिवाए अजूजन एक बुढ़िया, फिल गाबिरीन जो पीछे रह जाने वालों में से थी। हाँ हाँ बूढ़ी औरत थी ना अजूजन। इस जब नजैना निजात दी हमने उनको यानी लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को, अजमाइन जमा से बना है ना, अजमाइन यानी सारे के सारे लोगों को, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से हुई। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, सुम्मा फिर दम्मरना दम्मर तबाह कर दिया ना हमने आखरीन दूसरे लोगों को जो बच गए थे लोगों को, उन सबको हमने तबाह कर दिया। चले तुम इतनी ही करो वरना फिर ज्यादा हो जाए। आयत नंबर 137, और इन्ना बेशक तुम सब, ला अलबत्ता ता तुम, वानू सब मर्रा चलते फिरते हो, अलैहिम उन पर, मुस्बिहीन सुबह के वक्त, वह बिल लैली और रात के वक्त। देखिए बात कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे, देखिए 137 के ऊपर ला लिखा हुआ, इसका मतलब अभी बात जारी है, तो यहाँ पर आकर बात खत्म हुई, सुबह के वक्त भी और लैल पर आकर बात खत्म हो गई है और रात के वक्त भी। और बेशक तुम अलबत्ता तुम सब मुर्रो चलते फिरते हो, अलैहिम उन पर, मुजबिहीन सुबह के वक्त, व बिल लैली और रात को भी, अफला ताकिलून क्या फा फिर ला नहीं ताकिलून तुम सब अकल रखते, यानी कि तुम जब ये लोग गुजरा करते थे शाम की तरफ फिलिस्तीन की तरफ तो वहीं पर इनकी बस्तियां पड़ा करती थी लूत अलैहिस्सलाम की। तो अल्लाह सुबहान व तआला क्या फरमा रहे, जब तिजारती काफले ले लेकर निकलते हो तो तुम इनकी बस्तियों को सुबह शाम गुजरते हुए देखते हो, तब भी तुम्हें अकल नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानियां करते हो, यानी इतनी इबरतनाक बस्तियां देखने के बाद भी तुम्हारे मतलब अकलों का इस्तेमाल नहीं करते और अल्लाह की फरमा बरदारी की तरफ नहीं आते। व इन्ना यूनुसा लमिनल मुरसलीन, आयत नंबर 139, व और इन्ना बेशक यूनुसा यूनुस अलैहिस्सलाम, लमिनल मुरसलीन ला अलबत्ता मिनल मुरसलीन रसूलों में से थे। इज अबका इलल फुल्किल मशकून, इज जब अबका वो भाग कर गए, इलल फुल्की कश्ती की तरफ, अल मशहून कैसी कश्ती थी, भरी हुई कश्ती। ये वर्ड पहले आया है कहाँ पर आया था, हाँ किस किस के मुतालिक आया था, हाँ हमने तुम्हारी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया है ना, ये आया इसी आयत। जब वो भाग कर गए भरी हुई कश्ती की तरफ, क्यों भाग कर गए थे वो, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक्य हमने पढ़ा था, हाँ उनकी कौम ईमान नहीं ला रही थी तो वो खुद से ही डिसाइड कर गए कि भाई अब नहीं ला रहे ना ईमान, तो मैंने क्या किया, यही रूल है ना अल्लाह का, यही कायदा है कि जब ईमान नहीं लाती है कोई बस्ती, और नबी जो है बोल बोल कर पूरा अपना उसका पारा लबरेज मतलब वो पूरा उसका सारी मतलब पीक पर आ जाती है बात, तब क्या क्या होता है, अल्लाह का हुक्म होता है कि जाओ चले जाओ बस्ती छोड़कर, अब इन पर अजाब आ जाएगा, लेकिन हुक्म होता है ना अल्लाह सुबहान तआला हुक्म देते हैं, वो हुक्म लिए बगैर ही क्या कर गए, खुद से चले गए, वो खुद ही इमेजिन करके कि हाँ यही तो होने वाला है तो अब मैं क्या करता हूँ, चला जाता हूँ। तो अल्लाह सुबहान तआला ने क्या किया कि अल्लाह का वो जो हुक्म नहीं था उसकी वजह से बस्ती वालों के लिए एक बेनिफिट हो गया, ठीक है बहुत फायदा हो गया बस्ती वालों को, कि वो क्या हो गए, हाँ हाँ जो ईमान लेकर आई और उन्हीं की कौम थी जिनसे अजाब टला है, बता किसी कौम से अजाब टला नहीं, हाँ बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल हिकमतन, हाँ तो अल्लाह सुबहान व तआला ने इस तरीके से,
हाँ बिल्कुल, तदबीर करके। बिल्कुल, तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे, जब वो भागते हुए गए किसके तरफ, भरी हुई कश्ती की तरफ, फकान मिनल मुदहलीन, फसा हमा तो वो कूड़ा डाला, फसा हमा फिर कूड़ा डाला, फकाना तो था, मिनल मुदहदीन, मिनल मुदहदीन दहद कहा जाता हार जाने वालों में से, यानी उनका ही नाम आ रहा था बार बार पूरे में, जब भी तीन मरतबा कूड़ा डाला गया वो कश्ती में जो सवार हो गए ना, तो तूफान आया। अब वो जो मल्ला होते हैं ना, उन्होंने कहा कि कश्ती बहुत हैवी है, इसको हल्का करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, सारा सामान फेंक दिया। सामान फेंकने के बाद भी कश्ती बहुत हैवी थी, तो कहा गया कि एक शख्स को कूदना पड़ेगा, अदरवाइज कश्ती डूब जाएगी, सारे लोग डूब जाएंगे, इससे बेहतर है कि एक डूब जाए। अब तो उन लोगों ने क्या किया, कूड़ा डाला गया, कूड़ा डालकर उन्हीं का तीन मरतबा नाम लिया। अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं, फसा हमा तो कूड़ा डाला, पकाना फिर वो हो गया, मिनल मुजहबीन हार जाने वालों में से, यानी बार बार उन्हीं का नाम आने लगा। ठीक है, चले पहले इतना करेंगे, शाइन आप करें फिर आगे बढ़ेंगे। माशाल्लाह, हाँ हाँ अभी आएगा, उसको पता है माशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 142। फल तकमहु वहुआ मुलीम फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमी युबअसून फनबज़नाहु बिलअरा'इ वहुआ सकीम फअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन। फिर लाफी लुकमा बना लिया, ठीक है, फिर लुकमा बना लिया उसको अलहूत मछली ने। हूत वर्ड कहाँ पर आया था, हाँ सूरे कहफ में आया था, हाँ मूसा अलैहि सलाम के वाक्य में, वो जो मछली थी जो समंदर में चली गई थी। फिर लुकमा बना लिया उनको अलहूतु हूत ने यानी मछली ने, वह हुआ मुलीम और वो मलामत वालों में से हो गए। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन फलौ फिर अगर नहीं व फिर लौ अगर ला नहीं अन्नहु के वो होते काना अन्ना के हु वो काना होते मिनल मुसब्बिहीन तस्बीह करने वालों में से ललबिसा फी बतनिही ल अलबत्ता लबिसा वो रहते फी बतनिही उसके बतन में उसके पेट में किसके मछली के पेट में इला यौमी युब असून उस दिन तक जब तक लोग उठाए ना जाते यानी कयामत तक वो कहाँ रहते इसी मछली के पेट में। कौन सी तस्बीह थी उनकी, हाँ उन्होंने जो तस्बीह की थी तो अल्लाह सुबहानहु ताला ने इसीलिए मछली के पेट से उनको निजात अता फरमा दी। ला अलबत्ता लबिसा वो रहते फी बतनी उसके बतन उसके पेट में इला यौमी युब असून कयामत के यानी उठाए जाने वाले दिन तक। उगल गई उनको कहाँ पर, एक चटियल मैदान की तरफ। वह हुआ सकीम व और हुआ वो सकीम वो बीमार पड़ चुके, यानी सोचे कि मछली के पेट में इतने अंधेरों में खाना नहीं पीना नहीं तो इतने वक्त तक रहे होंगे तो कमजोरी तो लागुर हो गए, तो वो उस हाल में बीमार पड़ चुके थे। वह अम्बतना अलैही शजरतम मिन यक़तीन वह और अम्बता उगा दिया ना हमने अलैही उस पर शजरतन एक पौधा मिनल यक़तीन कद्दू की बेल का, मतलब मूवमेंट नहीं हो रही थी ना और बॉडी के ऊपर जो भी चीजें लगी हुई थी उसके ऊपर उनके ऊपर दरख्त उग गया था। ठीक है, हाँ उनके ऊपर उन पर जी ठीक है। अल्लाह अंदर पूरा पनप गया था, पनपा नहीं मतलब उग गया इन द सेंस कि एक शख्स पड़ा हुआ है और यहाँ से बेल उगती भी आ रही है तो वो पड़े पड़े पे उन्हीं के ऊपर उगना शुरू हो गई। तो वो एक तरीके से अल्लाह की मसलियत थी, वो मसलियत क्या थी कि वो चूंकि कमजोर थे लागू थे वो हिल नहीं सकते थे अपनी जगह से, तो अल्लाह सुबहान तआला ने क्या किया, हाँ तो वो किस चीज का
यकतीन, यकतीन कहा जाता है कद्दू, कद्दू का पौधा नहीं होता, बेल होती है, और बेल की जड़े नहीं होती है, वो आपस में एक दूसरे के ऐसे एक के ऊपर एक बढ़ती चली जाती है, उनकी जड़े आपस में ही निकलती है। तो हाँ, तो ये जो है ना, मतलब एक तरीके से उनके लिए एक साया बना दिया, साया बना दिया, यानी कि वो धूप डायरेक्ट, हाँ, छत टाइप बना दिया। हाँ बिल्कुल मिलती है, इसलिए अल्लाह सुभान व तआला ने मसलहतन उनके ऊपर, क्योंकि वो हिल नहीं सकते थे ना, कमजोर हो गए थे, तो अल्लाह ने रेडीमेड वहीं पर उनको मतलब बता दिया। हाँ खा ले, बिल्कुल ठीक है। तो उनके ऊपर वो बेल चल पड़ी, साया भी हो गया, खाने का सामान भी हो गया उनके लिए, और फिर वो थे ही सहरा में, वो उसका समंदर के किनारे पे, तो पानी का तो इंतजाम हो ही गया। नहीं, दिस पंपकिन, पंपकिन, चलिए रिपीट करेंगे। नहीं मतलब, हाँ चलो चलें आगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 147। वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन वअरसलनाहु फीहा वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यरीदून औ यजीदून। वह और अरसला भेजा ना हमने हु उनको, फिर यानी जब वो सही सलामत हो गए, अपनी सेहत को पहुंच गए, तो उनको किस तरफ भेजा, फिर हमने भेजा उनको इला तरफ, किस तरफ भेजा हमने, मिअति अल्फिन, मिया यानी हंड्रेड, अल्फ यानी हजार, सौ हजार का मतलब होता है एक लाख, ठीक है, सौ के अंदर दो जीरो और अल के अंदर तीन जीरो, अल्फ मतलब हजार, हजार हाँ, और मिया यानी सौ, सौ हजार मतलब एक लाख, एक हजार, दो हजार, नौ हजार, दस हजार, निन्यानवे हजार, सौ हजार, तो सौ हजार, सौ के दो, दो जीरो और हजार के तीन जीरो, एक लाख, ठीक है। और यजीदून या वो सबसे भी ज्यादा, उन सबसे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा, किसको, नूह अलैहि सलाम, सॉरी यूनुस अलैहि सलाम को, तब हाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो देखें, हाँ हाँ नहीं लिखा है, नहीं लिखा यहाँ पर, देखे ये जो चीज लिखी हुई है कि हजार या हजार से ज्यादा की बस्ती की तरफ भेजा, तो नाउजुबिल्ला इसमें ऐसा नहीं कि अल्लाह को कोई शक था कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो अल्लाह ने प्रॉपर नहीं बताया। बात यह है कि अगर कोई दूर से देखने वाला देखता तो उसको ऐसा ही लगता कि हजार, लाखों से ज्यादा की बस्ती है, लाख लोग नहीं। फआमनु, तो वो सब क्या हो गए, ईमान ले आ गए। फिर मता दिया, सामान्य जिंदगी दिया हमने उनको, इलाहीन एक मुद्दत तक। फस्तफ्तिहिम अली रब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून, फस्तफ्तिहिम, ये वर्ड आ चुका है, क्या करो, तफ्तीश करो, इनसे सवाल करो, फिर इस्तफ्ता करो, फिर उनसे सवालात करो, पूछो, तफ्तीश करो, हिम उनसे, क्या करो, अली रब्बिका, क्या, ली रब्बिका, तुम्हारे रब के लिए, अल बनातु बेटियां, वलहुम और उनके लिए, अल बनून बेटे, यानी अपने आप के लिए बेटे पसंद करते हैं और अपने रब के लिए बेटियां, अम खलकनल मलाइकता इनासन व
वहुम शाहिदून अम या फलकना, हमने बना दिया था अल मलाइका फरिश्तों को औरतें, वहुम शाहिदून और वो इस चीज के गवाह हैं, यानी वो देख रहे थे कि औरतें हैं फरिश्ते, उन्होंने उसका जेंडर कैसे जानते हैं फरिश्तों का। फिर उनसे सवाल कीजिए, पूछिए कि उन सबसे पूछिए क्या अपने रब के तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और उनके खुद के लिए बेटे, या हमने जब पैदा किया था फरिश्तों को क्या, या हमने पैदा किया है फरिश्तों को औरतें औरतें बनाकर और वो सब इसके गवाह हैं, या वो सब उस उनकी तकलीफ के वक्त मौजूद थे। अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयकूलून, अला खबरदार इन्नहुम बेशक वो मिन इफ्किहिम उनके झूठ में, उनके किस में, उनके अपने झूठ ही से लयकूलून क्या कर रहे हैं, अलबत्ता वो कहते हैं, वो अपने झूठ ही अपनी जबान से बयान करते हैं। अला खबरदार इन्नहुम बेशक वो मिन इफ्किहिम अपने झूठ ही से क्या करते हैं, लयकूलून अलबत्ता वो अपनी बातों को सजाते हैं, अपनी बातों को कहते हैं अपने झूठ मिला मिला कर। वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून, वलदा व के जन्म दिया, वलदा उसने जन्म दिया, किसने, अल्लाह ने, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद पैदा की। क्या क्या झूठ, सबसे बड़ा झूठ क्या लगाया गड़ा अल्लाह के ऊपर। देखिए बात अभी जारी है, लाम के आयत के ऊपर लाम अलिफ लिखा हुआ है, यानी उन्होंने सबसे बड़ा झूठ जो कहा वो क्या कहा, वलदा पैदा किया अल्लाह, अल्लाह ने औलाद जनी, ये सबसे बड़ा झूठ उन्होंने कहा। व इन्नहुम लकाज़िबून, व और इन्ना बेशक हम वो सब लकाज़िबून, अलबत्ता ला अलबत्ता लाम ताकीद है, काज़िबून वो सब झूठ बोलने वाले हैं। इस्तफल बनाती अलल बनीन, इस्तफा क्या उसने, अस्तफा सॉरी अस्तफा क्या उसने चुन लिया, अल बनाती बेटियां, अलल बनीन बेटों पर, क्या तुम्हारे रब ने बेटियों को बेटों पर चुन लिया। मा लकुम कैफ तहकुमून, माँ क्या, लकुम तुम्हारे लिए, क्या हो गया है तुमको, या क्या है तुम्हारे लिए, मतलब क्या हो गया है तुमको, कैफ तहकुमून कैसे तुम सब हुक्म लगाते हो, कैसी बातें करते हो। अफला तज़क्करून, क्या फिर नहीं तुम सब नसीहत हासिल करते, क्या तुम सब नसीहत नहीं पकड़ते। ठीक है पहले इतना करते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। क्या कहा, यहाँ से एक मरतबा और करते हैं, क्या कहा अल्लाह सुब्हानहु ताला ने, फिर भेजा उनको किसकी तरफ, हजार सौ, एक हजार सौ यानी एक लाख, सौ हजार, सौ हजार यानी एक लाख लोगों की तरफ या उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ। फिर वो सब ईमान ले आए तो अल्लाह ने क्या किया, उनको मताए जिंदगी दी हमने उनको एक मुद्दत तक। फिर उन सबसे सवाल कीजिए, क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे, या हमने जब पैदा किया, हमने पैदा किया फरिश्तों को बेटियां औरतें और वो सब इसके गवाह हैं, उस तक उस वक्त ये सब मौजूद थे। खबरदार बेशक वो उनके झूठ में जो अलबत्ता वो कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वलदल्लाहु अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने जना, और बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं। क्या चुन लिया बेटियों को, क्या उसने चुना बेटियों को बेटों पर, क्या हो गया है तुमको, कैसे तुम सब हुक्म लगाते हो, क्या फिर तुम सब नसीहत हासिल नहीं करते। चलो रिपीट करें, इसका क्या मतलब है, क्या अल्लाह सुबहान तआला ये चाह रहा था कि बेटियां नहीं कहें बेटे कह दें, क्या मतलब है, अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे ना, क्या अल्लाह सुबहान तआला बेटियों बेटियों को फौकियत देगा बेटों को, क्या बात है, कहें मतलब हमारे सवाल नहीं समझा, सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे अल्लाह सुबहान तआला ने पूछा कहा कि क्या रब के लिए तुम बेटियां कहते हो और अपने लिए बेटे, तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बेटे पसंद है, क्या बोलने का क्या मकसद है। और हाँ मतलब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि बेटे आला होते हैं और बेटियां कमतर होती हैं, ये मतलब था, लेकिन तुम उसको रब भी कह रहे हो और रब के लिए कमतर चीज को मंसूब भी कर रहे हो, यानी कि तुमने रब माना तो कैसा रब माना कि अगर तुम, चलो तुमने अगर शिर्क भी किया तो शिर्क में भी कमतर चीज पहुंचा रहे हो, समझ रहे हो आप, यानी कि एक बंदा शिर्क में भी कमी, यानी अल्लाह सुबहान तआला के लिए तुम अपने लिए तो बेटे पसंद करते हो, हाँ
हाँ, तो अल्लाह सुबहान तआला ये बताना चाह रहे, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने ये कहा कि मेरे लिए तुम बेटे कह सकते हो बेटियां नहीं कह सकते हो। यानी अल्लाह सुबहान तआला बताने का मकसद ये है कि इनकी सोचे देखे कितनी कमतर है, कि ये रब के लिए कमतर चीजें पसंद करते हैं, चाहे वो जो भी हो जिस मामले में भी हो, लेकिन रब के लिए जो चुनते हैं वो बदतरीन चीजें चुनते हैं, जो इनकी नजर में बदतर है उनको अपने रब के लिए पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था जब वो खेतियों का मामला, कि जब खेतियां कटती हैं तो क्या करते थे, ये रब का हिस्सा है ये माबूदों का हिस्सा है। जिस साल खेती कम कटी, खेती जब कम कटी या फसल बर्बाद हो गई, रब का हिस्सा खत्म कर दो, सिर्फ माबूदों को देंगे, बाकी हम रख लेंगे। यानी कि तुम अपने रब को रब मानते हुए भी तुम उसकी तरफ कोई अच्छी चीज देना नहीं चाहते, और यही मामला हम लोगों का है। कोई जब अल्लाह के नाम पे मांगता है तो हम तो ढूंढ ढांड के जो सबसे बदतरीन चीज होती है वो हम देते हैं। वो तो चलो खैर शिर्क करते थे, हम तो शिर्क भी नहीं करते, फिर भी हमारा यही मामला है। तो ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है, अल्लाह क्या फरमा रहा है, कैसे तुम हुक्म लगाते हो अल्लाह के ऊपर, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते इन तमाम बातों से। हम स्क्रीन शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 156। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम लकुम सुल्तानुम मुबीन। यानी ये जो तुम बातें कर रहे हो कि अल्लाह के लिए बेटियां हैं, हमारे लिए बेटे हैं, अम या लकुम तुम्हारे लिए सुल्तानुम मुबीन, कोई खुली दलील है तुम्हारे पास, कोई एविडेंस है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फातु बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, आयत 157। फातु, फिर तुम सब देखे, आता आओ, आता भी ले आओ, हाँ आता भी ले आओ, फिर तुम सब ले आओ, बिकिताबिकुम तुम्हारी किताब को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में, सच्चे हो तो या तो सुल्तान या दलील ले आओ, या अपनी वो किताब ले आओ जिसमें ये बातें लिखी हुई है। फातु, ले आओ, भी किताबिकुम तुम्हारी किताब को, अगर तुम हो सच्चे। वजअलू बैनहु वबैनल जिन्नति नसबन, वह और वावलिक, उन सब ने जाला बना दिया, बैनहु उसके दरमियान यानी रब के दरमियान, वबैनल जिन्नति और जिन्नात के दरमियान, नसबन रिश्ता, नस्बी रिश्ता। वलकद अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहदरून, और वह और लकद अलबत्ता तहकीक, अलिमतिल जिन्नतु जानते हैं जिन्नात, जिन्नात भी जानते हैं, इन नहुम बेशक वो, लमुहदरून अलबत्ता हाजिर किए जाएंगे। सुबह अभी एक्सप्लेन करते हैं तो समझ आएगी बात। और उन सब ने बना दिया उसके यानी रब के दरमियान और जिन्नों के दरमियान नस्बी रिश्ता और अलबत्ता तहकीक, जानते हैं जिन्नात भी के बेशक वो खुद भी, वो कौन, वो खुद जिन्नात भी अलबत्ता हाजिर किए जाने वाले हैं। सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, सुबहाना पाक है अल्लाह ही, अल्लाह पाक है अल्लाह, अम्मा उससे जो, यसीफून वो सब गढ़ते हैं, वो सब जो बनाते हैं, जो बयान करते हैं बात, इल्ला इबाद अल्लाह मुखलसीन, सिवाय उन बंदों के, उन अल्लाह के उन बंदों के जो खालिस कर लिए गए, जिनको अल्लाह ने खालिस कर लिया। अब इन लोगों ने क्या बात गढ़ दी, नऊज़ु बिल्लाह, के रब की, रब का निकाह किससे हुआ, जिन्नात से हुआ, तो उससे ही ये जो जो फरिश्ते हैं उसी के जरिए से जन्म लिया, नऊज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमने जिन्नात का रब से रिश्ता बना दिया, और कहते हो कि रब और जिन्नात में ताल्लुक है, हालांकि जिन्नात खुद जानते हैं कि उनको रब के सामने खड़ा होना, बल्कि वो जवाबदेह होंगे। तो ये जिन्नात ने नहीं कहा, ये उन लोगों ने बना दिया, नऊज़ुबिल्लाह, कुछ भी। यानी देखे सोचे, वही तो ना, डर ना खौफ कैसा। तो अल्लाह सुबहान तआला कह रहे ना कि क्या बातें तुम अपने जबानों से गढ़ते रहते हो, और तुम्हें खबर तक नहीं क्या क्या बोल रहे हो, कैसे हुक्म तुम लगाते हो। ये वही मुशरिकाने मक्का। हाँ ठीक है, 161, आयत नंबर 161। فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ فَإِنَّكُمْ فَاقِر إِنَّ بِشَكُّكُمْ تُمْ سَب وَمَا اور جن کو تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو جن کی تم سب عبادت کرو پھر بے شک تم سب بھی اور جن کی تم سب عبادت کرتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَانِ فَاتِنِينَ مَا نہیں
अंतुम तुम सब अलैही इसके खिलाफ या इस पर बिफातिनीन फितने में डालने वाले। एक मिनट हाँ जस्ट अ मोमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 161 फिर बेशक तुम भी और जिनको तुम सब पूछते हो वो भी नहीं तुम सब उस पर फातिनीन यानी तुम किसी को बहका सकते यानी तुम किसको बहका सकते हो जो तुम्हारी बातों में आ सकता है जो अल्लाह के मुखलसीन जो बंदे हैं उनको तुम बहका नहीं सकते ना तुम और ना तुम्हारे झूठे माबूद वो किसी को बहका नहीं सकते इल्ला सिवाय फितने में डाल सकते यानी आजमाइश में डाल सकते यानी बहका सकते इल्ला सिवाय मन हुआ सवालिल जहीम मन जो हुआ वो हो सवालिल दाखिल होने वाला जहीम जहन्नम में सिर्फ तुम उन्हीं लोगों को बहका सकते हो जो जहन्नम में दाखिल होने ही के लिए पैदा हुए हैं सिवाय मन जो हो हुआ वो सवालिल जहीम दाखिल होने वाला अल जहीम जहन्नम में वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम वमा और नहीं मिन्ना हम में से इल्ला सिवाय मगर लहू उसके लिए मकामुम मालूम एक क्या है एक मुकर्ररा क्या है मालूम मकाम है और नहीं है हमारी तरफ से सिवाय उसके लिए एक मालूम मकाम यानी कि अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमा दिया वो जो जहीम वाले हैं उनका सबका अपना अपना मालूम मकाम है यानी अल्लाह उसका इल्म रखता है वह इन्ना लनहनु सौफून वह और इन्ना बेशक हम लनहनु अलबत्ता नहनु हम असौफून सब बांधने वाले हैं मतलब उन लोगों की क्या कर दी जाएगी सब बंदी कर दी जाएगी वह इन्ना लनहनु मुसब्बिहून वह और इन्ना बेशक हम अलबत्ता मुसब्बिहून तस्बीह करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले इतना करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं फइन्नकुम तो बेशक तुम वमा ताबुदूना और जो जिसकी तुम सब इबादत करते हो मा अंतुम नहीं हो तुम सब अलैही इस पर बिफातिनीन किसी पर को फितने में डाल सकते यानी किसी को बहका सकते इल्ला सिवाय मन जो हुआ वो हो सवालिल जहीम जहन्नम में दाखिल होने वाला वमा मिन्ना और नहीं है देखिए इल्ला की वजह से मां नहीं में हो गया और नहीं है हमसे या हमारी तरफ से सिवाय लहू उसके लिए मकाम मालूम एक मुकर्ररा यानी के तय शुदा मकाम उन लोगों के लिए है और बेशक हम क्या करने वाले हैं अलबत्ता हम सौफून सबको सफ में खड़े करने वाले हैं पहले यहाँ तक कर लें फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से जो है ना ये बात यहाँ पर मुकम्मल हुई यहाँ से दूसरी बात चालू हो रही है यहाँ पर क्या है आयत नंबर 164 में वमा मिन्ना और नहीं हम मिन्ना हमसे इल्ला सिवाय लहू उसके लिए मकाम मालूम एक मुकर्ररा मकाम यहाँ फरिश्तों की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहे इन फरिश्तों के लिए क्या है एक मुकर्ररा मकाम है और ये फरिश्ते क्या कहते हैं وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ हमने पढ़ा والصافات صفًا तो अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि बेशक हम कैसे हैं सफ दर सफ खड़े रहते हैं सॉरी फरिश्ते खुद कह रहे हैं कि बेशक हम सफ दर सफ खड़े होते हैं وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ और बेशक हम अलबत्ता नहनु हम क्या करते हैं तस्बीहात करने वालों में से हैं तस्बीह करने वालों में से हैं وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ वह और इन बेशक अब देखिए इनका कभी कभी तर्जुमा बेशक में भी आता है और बेशक कानू वो सब थे अलबत्ता यकूलून वो सब कहते थे लव अन्ना इंदना जिक्रम मिनल अव्वलीन लव काश अगर अन्ना ये के इंदना हमारे पास होता जिक्रन नसीहत मिनल अव्वलीन पहलो जैसी पहलो की लकुन्ना इबादल्लाही मुखलसीन ला अलबत्ता कुन्ना हम हो जाते इबादल्लाही अल्लाह के बंदों में से कैसे मुखलसीन चुने हुए बंदों में से अब एक्सक्यूज करने वाले कुछ भी एक्सक्यूज करते हैं ये अल्लाह सुबहान व तआला बता रहे हैं कि ये हमारे फरिश्तों की सिफात है लेकिन कुछ बंदे बहानेबाजी करते हैं क्या कहते हैं कि अगर वो नसीहत हम पर नाजिल हुई होती ना हमारी कौम पर नाजिल हुई होती तो हम भी क्या करते नेक बंदों में हो जाते यानी वो कुरान हमारे सामने नाजिल होता बुक तौरात हमारे सामने नाजिल होती तो हम कैसे होते मुखलसीन में शामिल हो जाते
فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَ تو کفرو ان سب نے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ ہمارے سامنے تو نہیں آئے تو ہم کیسے مان لے. تو اگر جیسے پہلے لوگوں پر ذکر نازل ہوا تھا, نصیحت نازل ہوئی تھی, ہم پر نازل ہوتی تو ہم کیسے ہو جاتے؟ اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جاتے. لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ ان سب نے انکار کر دیا اس کا, یعنی نبیوں کا, رسولوں کا, ذکر کا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو ان قریب وہ سب جان جائیں گے, ان سب کو علم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق سبقت پہلے گزر چکا, گزر چکی کلیماتنہ ہماری بات, لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ہمارے ان رسول بندوں پر, ہمارے ان بندوں کے لیے جو مرسلین جو بھیجے ہوئے تھے. اور البتہ تحقیق سبقت گزر چکی کلیمہ یعنی بات, ہماری بات کس پر؟ ہمارے بندوں کے لیے, المرسلین جو بھیجے گئے تھے. انہم لہم المنصورون انا بے شک ہم وہ سب, لہم ان کے لیے, منصورون بے شک وہ البتہ وہی کیا ہے؟ مدد کیے جانے والے ہیں. ناصر سے بنا ہے منصور, قاتل سے, جیسے مقتول ہے, قاتل جس نے قتل کیا, مقتول جس کا قتل کیا, ظالم مظلوم, ظلم کرنے والا ظالم, مظلوم جس پر ظلم کیا, اسی طرح ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری بات تو پہلے پوری ہو چکی ہمارے رسولوں پر, ہمارے وہ بندے جو پہلے گزر چکے ہیں, جو بھیجے گئے تھے, کہ بے شک وہ البتہ کیا کیے جائیں گے؟ مدد کیے جائیں گے, یعنی رسولوں کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور اِنَّا بے شک جُنْدَنَا ہمارا لشکر, ہماری آرمی, لَهُمْ انہی کے لیے کیا ہے؟ غَالِبُونَ ان کے ہی لیے غلبہ ہے, وہی غلبہ پانے والے ہیں. لا البتہ ہم وہ سب, لَغَالِبُونَ البتہ غلبہ پانے والے ہیں. اور بے شک ہمارا ہی لشکر, ہماری ہی آرمی, البتہ وہ سب غلبہ پانے والی ہیں, غالب ہونے والی ہیں. یہاں تک ہم لوگ کریں گے. پہلے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور نہیں ہے ہم سے سوائے اس کے لیے کیا ہے, ہم میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ایک مقام معلوم ہے, مقررہ مقام ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ فرشتوں کو بالکل مقرب بنایا ہے, جو اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں, کچھ فرشتے جو تھوڑے دور ہیں, کچھ فرشتے جو جبریل علیہ السلام کے کانٹیکٹ سے باتیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر فرشتوں کو ایک مقام دیا ہوا ہے. پھر ملائل اعلیٰ ہے نا وہ لوگ, وَإِنَّا اور بے شک ہم البتہ, نَحْنُ صَافُّونَ اور ہم اللہ کے سامنے کیسے ہوتے ہیں؟ سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں. اور بے شک ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیحات بیان کرنے والوں میں سے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک وہ سب کہتے ہیں, اب یہ فرشتوں کی بات ختم ہوئی, یہ کافروں کی بات شروع ہو گئی. اور بے شک وہ سب کہتے ہیں, آیت نمبر 167 میں, اور بے شک وہ سب تھے, لَيَقُولُونَ وہ سب البتہ کہتے تھے, اگر یہ کہ اگر ہمارے پاس نصیحت آتی پہلوں کی طرح, پہلوں میں سے جیسے پہلوں میں سے آئی تھی نصیحت, ویسے نصیحت آتی, البتہ ہم کیا ہو جاتے؟ اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہو جاتے. پھر ان سب نے انکار کر دیا اس کا, پھر ان قریب وہ سب جان جائیں گے. اور البتہ تحقیق پوری ہو گئی, پوری ہو چکی, ثابت ہو چکی, سب کا پہلے واقع ہو چکا, کلمہ بات ہماری کس پر؟ ہمارے ان بندوں پر جو بھیجے گئے تھے, جو رسول تھے, کہ بے شک وہ البتہ وہی مدد کیے جائیں گے. یعنی ہمارے یہاں فرشتوں کی بات ہوئی, یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے, اب یہاں رسولوں کی بات ہو گئی ہے. رسولوں کو کے اوپر بات ثابت ہو گئی, گزر چکی ہماری بات, کہ البتہ ہمارے ان بندوں کے لیے جو کیا ہیں؟ رسول ہیں, بھیجے گئے ہیں, کہ بے شک وہ البتہ وہی مدد کیے جائیں گے. اور بے شک ہمارا لشکر انہی کے لیے کیا, البتہ سوری لیے نہیں, یہ لام تاکید ہے. اور بے شک ہمارا لشکر البتہ وہی, الغالبون غلبہ پانے والا ہے, یعنی غالب ہو جائے گا. چلیے ریپیٹ کریں. بالکل ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَتَوَلَّ آیت نمبر 174, فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين فَابِر, تَوَلَّ مُو پھیر لیجئے, عَنْهُمْ ان سے, حَتَّى یہاں تک کہ, حِين ایک مدت گزر جائے, ایک مدت تک کے لیے ان سے مُو پھیر لیجئے, یعنی ان سے اعراض کیجئے. کن لوگوں سے؟ کنہی کافروں سے جو
ऐसी बातें गढ़ते हैं कि हम पर क्यों नहीं किताब नाजिल कर दी गई, इन लोगों पर क्यों किताब नाजिल कर दी। तो अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं, वह अब सिर हम वह और अब सिर देखिए हम उनको, आप भी देखिए, और अनकरीब वो सब भी देख लेंगे, यानी अपना अंजाम देख लेंगे और आप भी इनका अंजाम देख लेंगे, आप भी देखिए और फिर अनकरीब वो भी अपना अंजाम देख लेंगे। अब अभी आजाबिना यस्ताजिलून, क्या फिर भी आजाबिना हमारे अजाब की, यस्ताजिलून वो सब जल्दी मचा रहे हैं, उजलत कर रहे हैं, क्या फिर हमारे अजाब की वो सब जल्दी मचा रहे हैं। फइजा नजला बिसाहतिहिम, फइजा फिर जब नजला नाजिल होगा उतरेगा, बिसाहत साहत कहा जाता है सहन को, मतलब जो वरांडा होता है उसकी बात हो रही है, फिर जब वो उतरेगा बिसाहतिहिम उनके सहनों में, फसा क्या उतरेगा, अजाब उतरेगा, तो क्या होगी, फसा आसबाहु तो बदतरीन सुबह होगी उस दिन, अलमुनजरीन डराए जाने वालों की, जाल के ऊपर जबर है, जाल के नीचे जेर होगा डराने वाले, और जाल के ऊपर जबर है डराए जाने वाले, यानी जिनको डराया जा रहा है उनकी बदतरीन सुबह होगी जिस दिन उनका उनके सहनों में अजाब उतर आएगा। व तवल्ला अनहुम हत्ता हीन, वह और तवल्ला फेर लीजिए अनहुम उनसे मुंह, एराज कर लीजिए उनसे हत्ता हीन एक मुद्दत तक। 179 वअबसिर और देखिए, फसौफा युबसरून फिर अनकरीब वो सब भी देख लेंगे। सुबहान रब्बिका, पाक है आपका रब, रब्बिल इज्जती इज्जत वाला रब, अम्मा यसीफून उससे जो यसीफून वो सब बयान करते हैं, उन तमाम बातों से आपके रब की जात क्या है, पाक है, मुबर्रा है, बाइज्जत है, पाक है आपके रब की जात, रब्बिल इज्जती रब है इज्जत वाला उससे जो वो सब बयान करते हैं। वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलामती हो अलल मुरसलीन तमाम रसूलों पर, हम देखा है कितने रसूलों पर अल्लाह ने सलाम भेजा, सलामुन इल्यासीन, सलामुन अला नूह, है ना, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। ठीक है, तो ये तीन आयतें भी आप अपनी नमाजों में पढ़ सकते हैं, आफ्टर सूरह सूरह फातिहा के बाद आप ये तीन आयतें पढ़ सकते हैं, या ऑफ कोर्स वी नीड ओनली थ्री आया ना, तीन आयत चाहिए मिनिमम, तो आप लोग ये सूरह फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें रिपीट करें लास्ट, वो जो तीन आयतें ना शाइन आप करो, द लास्ट थ्री आयत, बाकी आप लोग कर, लास्ट तीन आयतें आप करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतं वफिल आखिरति हसनतं वकिना अज़ाबन्नार ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतं वफिल आखिरति हसनतं वकिना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुंका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनिन वज़अलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। रब्बी हब ली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.